हेलो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ट्वीट मैं रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल का खोल के रखा हूँ। राइट, इस जो ट्वीट इन्होंने किया हुआ है रिगार्डिंग एनटीपीसी, मोस्ट अवेटेड एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होना था वो अभी तक नहीं हुआ, किसी भी रीजन से कुछ भी बहाना करके टाल दिया जा रहा है। राइट, 3 मंथ्स अर्लियर मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जहाँ की नोटिफिकेशन आया हुआ था कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसका जो एजेंसी होगा, जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जो एजेंसी एग्ज़ाम लेगी उसके लिए टेंडर निकाला था 3 अरब रुपीज़ का। राइट, 3 अरब रुपया का टेंडर निकाला था, लेकिन टेंडर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था 3 मंथ्स अर्लियर। राइट, और अभी तक ये देखिए 5 तारीख का है, ये आप देख सकते हैं 5 सितंबर का है ये ट्वीट पीयूष गोयल का, बट 5 सितंबर तक मैंने फाइंड आउट किया जितने भी वेबसाइट हैं रेलवे के, रेलवे बोर्ड का जहां नोटिफिकेशन रिलीज होता है वहां पे मैंने फाइंड आउट किया, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जहां की जो एजेंसी है वो ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो गया हो, ऐसा कहीं नहीं है। राइट, अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, अगर फाइनलाइज हो भी गया होगा जो एजेंसी एग्ज़ाम लेगी तो, बट अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इस पे अब हम भरोसा करें या ना करें, जैसा कि इन्होंने बताया है कि दिसंबर 15 से एग्ज़ाम होगा। राइट, बट ये होगा नहीं होगा अब ये रेलवे मिनिस्टर ने बता दिया है। राइट, कि प्रेशर है अभी, जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि बेरोजगारी, इसलिए इन्होंने दे दिया कि थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो जाए गवर्नमेंट के ऊपर रिगार्डिंग लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए भी इन्होंने दे दिया है। राइट, या कोई और यही मेन रीजन हो सकता है, बट पेपर होगा दिसंबर 15 से ये 100% नहीं कह सकते। होगी तो बहुत अच्छी बात है, बट 100% होगी नहीं होगी ये कंफर्म नहीं कह सकते, विश्वास नहीं कर सकते रेलवे मिनिस्टर के ट्वीट का। अगर ऐसा होता तो एक नोटिफिकेशन रिलीज होता और अभी जितने भी न्यूज आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्वीट, ये ट्वीट के कारण ही आ रहा है। बट अभी कोई एजेंसी की किस एजेंसी के थ्रू ये पेपर होगा अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है दोस्तों। तो आप 15 दिसंबर मान के चल सकते हैं अगर आप पीयूष गोयल पर भरोसा करते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही जैसे कभी बेरोजगारी को लेके काफ़ी प्रेशर बना हुआ है गवर्नमेंट पे, तो इसलिए भी दिया हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट अगर आप पीयूष गोयल पर बिलीव करते हैं तो आप जो है 15 दिसंबर का जो इन्होंने डेट दिया है पेपर का, बट बहुत टफ है हमें नहीं लगता, बिकॉज कोरोना टाइम चल रहा है, लॉट्स ऑफ इश्यूज हैं, 3 अरब रुपया आपको देना है एजेंसी को और GDP 23 पॉइंट समथिंग डाउन हो गया है, नेगेटिव में चले गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट, और जो है 3 अरब का कितना एक साल से ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो भी पैसा है रिटर्न आना था है ना, 400 रुपीज़, 500 रुपीज़ एग्जामिनेशन फी लिया हुआ है इन लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए इसमें। तो राइट दोस्तों, तो आप बिलीव पे, पीयूष गोयल के विलीप पे आप 15 दिसंबर का देखिए पेपर हो जाए, हम विश करते हैं कि पेपर हो जाए। डेफिनेटली मोस्ट अवेटेड जितने भी हैं कैंडिडेट है ना, तो वो परीक्षा दे पाए। राइट, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।